डियर स्टूडेंट, कैलकुलेशन इफेक्ट के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम सीखेंगे कि टैंक का आयतन लीटर में कैसे ज्ञात करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज हम सीखेंगे टैंक का आयतन लीटर में ज्ञात करना। तो हम जानते हैं, या मान लीजिए कि अगर हमारे पास क्या है, एक टैंक दिया और उसमें हमको क्या भरना है, पानी भरना है। तो उसमें वो कितने लीटर आयतन का पानी समाएगा, हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि टैंक घनाभ की ज्यामिति से लिया गया है। अगर हमें घनाभ की ज्यामिति का आयतन हम निकाल ले तो टैंक का आयतन निकालने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हम जानते हैं घनाभ की आकृति, देखिए घनाभ की आकृति कैसी होती है, ये क्या होता है, घनाभ। और हम जानते हैं घनाभ का आयतन a इंटू बी इंटू सी होता है, या इसे हम v इक्वल टू ए बी सी भी कह सकते हैं। तो देखिए देखिए ये एबीसी क्या होता है, ये एबीसी लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होती है, जो कि घनाभ की भुजाएं कहलाती है। क्या कहलाती है, घनाभ की भुजाएं। और क्वेश्चन में आपको ये मीटर में दी होगी, मीटर में होने के कारण इसको क्या करेंगे, 100-100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसकी कितनी भुजाएं, तीन भुजाएं। तो तीन भुजाओं को 100-100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आयतन इक्वल टू हो जाएगा, क्या होगा, ए बी सी इंटू 10^6 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब देखिए आयतन क्यूबिक सेंटीमीटर में क्यों है, क्यों निकलेगा, हमारे मन में या आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये आयतन क्यूबिक सेंटीमीटर में क्यों आएगा। तो हम जानते हैं कि एक लीटर में क्या होता है, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। क्या होता है, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। और आगे चल के क्या करेंगे, इसका हमें 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर का क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। इसलिए इसे यह क्यूबिक सेंटीमीटर में लिखा गया है। तो हम जैसे हमारे पास आयतन इक्वल टू होगा ए बी सी 10^6 सेंटीमीटर क्यूबिक अपॉन 1000। अब देखिए इसको हम समझने के लिए, इसको हमें डिटेल में समझना है, समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल में ए इक्वल टू है 5 मीटर, बी इक्वल टू 10 मीटर और सी इक्वल टू 2 मीटर। तो इसमें क्या करेंगे, हम एबीसी की वैल्यू रखेंगे और आंसर लेके आएंगे, v इक्वल टू क्या होगा 5 × 10 × 2 × cm³/1000। क्या होगा, ये जीरो से ये जीरो, जीरो 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 जीरो, अपने हमारे पास क्या आया 500 × 1000। हाँ, तो v इक्वल टू क्या होगा, 1 लाख मीटर, 1 लाख लीटर, 1 लाख लीटर आयतन। इसका आंसर क्या होगा, लीटर में आएगा, क्या आएगा, लीटर में आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1 लाख लीटर आयतन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।